अपने कल के प्लान का पूरा ब्रीफ बता ताकि हम तुझे बेहतर स्टैंड बाय सपोर्ट दे सकें। ओके, ये वो रास्ते हैं जिन पर यहाँ के लोकल्स ट्रैवल करते हैं और मेरा ख्याल है खस्ता गुल यहीं कहीं होगा। मेजर हारून ने भी यही एरिया आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पर सिक्स सस्पेक्टेड सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसका मतलब है हमारी मालूम टैली करती है। Yes. कल की कॉन्फ्रेंस के नीटी ग्रिटीज तो बता। कल ये डिसाइड हुआ कि चार फाइटिंग पेट्रोल अटैक करेंगे जिनमें से एक को मैं लीड करूंगा। हम मल्टी डायरेक्शनल अटैक करेंगे टू कंफ्यूज देम। आई एम टेलिंग यू इस बार हम फैसला कौन जंग लड़ेंगे और इस एरिया को क्लियर कराएंगे एट एनी कॉस्ट। व्हाट आर यू प्लानिंग टू मिनिमाइज द रिस्क्स? ये सारा रास्ता लोकल्स ने बताया, मैं खुद इस एरिया की रैकी कर चुका। इज द प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन प्लान इन प्लेस एंड व्हाट अबाउट योर मूव? हां हो गया, हम सुबह मूव कर रहे हैं। ठीक है फिर हीरो, ऑल द बेस्ट। ओके जी गाइस, टेक केयर। सेक्शन वन, yes, सेक्शन टू, yes, सेक्शन थ्री, yes, डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। हमारी डायरेक्शन ऑफ मूव इट विल बी फ्रॉम द साउथ। हम साउथ से मूव करेंगे, यहाँ से आगे जाएंगे। उसके बाद हमारा कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट प्लटून हेडक्वार्टर का ये होगा। उसके बाद यहाँ से हम इसको तीन सेक्शन में डिवाइड करेंगे जो कि इस ट्रैक के साथ साथ नाले के तरफ मूव। नाले के बाद ये तीनों सेक्शन इन डिफरेंट डायरेक्शन डिवाइड हो जाएंगे। सेक्शन वन फ्रॉम द सेंटर अप्रोच करेगा इस टारगेट को, ये हमारा टारगेट एरिया है। सेक्शन टू, यहाँ पे आपको एक ट्रैक नजर आएगा जिसके साथ साथ आपने मूव करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक आबादी मिलेगी जो कि हमारा टारगेट है। आपने लेफ्ट अप्रोच लेते हुए उस पर अटैक कर। सेक्शन थ्री राइट साइड से मूव करेगा, इस नाले से ऊपर चढ़ेगा टारगेट की जाने। इस एरिया को स्वीप करने के बाद हमारा कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट अगली टेक भी होगा। कैसे हैं आप लोग? ठीक सर। पता है ना ऑपरेशन पे जा रहे हैं? यस सर। घबराए हुए तो नहीं हो? नो सर। मोराल कैसा है? हाई सर। सन नुंगता पता लगे तले था चेतफ्रेटी और कोर्स वानान जमुंगता रफ्तार अधीम। आज का ये ऑपरेशन आगे आने वाले तमाम ऑपरेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी लिहाज से मुश्किल भी, क्योंकि आप नहीं जानते आगे कौन जालिम है और कौन मजलूम। होंगा द दो मुकाबले दफारा तैयार हो तू और दो तबा दस अबरतवर कहूँ। दहशत गर्दों ने एजेंसीज के मासूम लोगों पर बहुत जुल्म किया और लोगों को इस्लाम के नाम पर गलत रास्ते पर चला रहे हैं ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। और द दे प बदल के बा जद तासो द दे इलाके सरदारान जुड़ाओ और तासो तबा जय द दुना और जेवरात दरकम दल तबा जमोंग हुकमत भी। आपको पता होना चाहिए कि हमारे हथियार और ट्रेनिंग उनसे बेहतर है, इसलिए अल्लाह से दुआ करें कि वह हमें कामयाबी नसीब करे। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो, हम इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। दे मुल्क पाकिस्तान खिलाफ यू और मुंग बाप दे के जहाद कहू चितर सो कामयाब न हो।
मुझे लगता है हम गलत रास्ते पे आए हैं। अल्फा फोर कंट्रोल, ओवर। कंट्रोल सेंड ओवर। सर वी हैव मेट एन आईडी इन फर्स्ट व्हीकल, मैं सेक्शन 2 और 3 के साथ वापस भिजवा रहा हूँ सर तमाम जख्मियों को। अल्फा ट्राई टू कम टू द बेस। ओवर। सर ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा, मैं ये जगह नहीं छोड़ सकता, मेरे लिए ये जगह ऑक्यूपाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्फा ट्राई टू गेट टू द डोमिटिंग फीचर, आई एम सेंडिंग अ QRF। ओवर। रोजर, ओवर। ओवर एंड आउट। सफर वजीर, ओवर। साहब ये पहली गाड़ी में जितने भी जख्मी हैं इनको लेकर बेस तक पहुंचे जल्दी, क्विक क्विक। मैं इनको यहां रोकता हूं, जल्दी। संभालो, मैं उस साइड पे जाता हूं। ओके सर। लड़ाई और भी मुश्किल होगी, गेट आउट ऑफ देयर। अल्फा फॉर 1-2 ओवर। सिचुएशन इज डू और डाई and I prefer dying, I will never come back. 12 for 17 over. ठीक है सर, मैं सारी जाके अपने साथ जो टीम है बटालियन को कह देता हूँ, वी स्टार्ट मूविंग ऑन और जैसे फिर होता है देख लेते हैं। ठीक ठीक सर। सर कमांडो साहब, ये जो पाकिस्तान में इतना बहुत सा चैनल खुला हुआ है, ये हमारा जंग खुद लड़ रहा है। अब हमको अपना बात किसी को बताने का जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा हुआ है हमारे।
वो जो वीडियो बनाया था वो सारा चैनलों को दे दिया। उस वीडियो ने सारी दुनिया में बहुत असर डाला है। चैनलों ने वो वीडियो दिखा दिखा के लोगों को खौफजदा कर दिया। जुलूस देख ले, मगरब ज्यादा ख्वातीन ने नंगे सर एहतजाज किया है, वो भी लिपस्टिक पाउडर लगा के। ये जो सुर्ख सर वाला ये बदबख्त हरवते नहीं है, ये उन लोगों को खौफ है कि हम लोग का जब हुकूमत आएगा तो उनको घरों में बैठना पड़ेगा, बुरखा ओढ़ना पड़ेगा, ये उन्हीं हरवतों का है। ठीक बोला आपने कमर साहब, जिरगा चीफ के बोलता है, उस लड़की का क्या करना? वो इधर से 6 मील दूर तक बहुत सख्त जंग चल रहे, पाकिस्तान का फौज ने इधर तक पहुंचने के लिए हमला कर दिया। वो लोग इधर नहीं पहुंच सकता, हमारा लोग उनको उधर ही फर्क कर देगा। अगर वो लोग उधर से इधर तक आए तो एक एक को पकड़ के हलाक करने, छोड़ना बिल्कुल नहीं। हमारा आदमी उधर मोर्चे में रह के उनको रोक रहा है। कमांडर साहब, एक अफसर बहुत सख्त है, हारी नहीं मानता। तो इसमें से कौन सा बड़ा बात, एक रॉकेट मारो उसको, गिराओ उसको। रॉकेट उससे ज्यादा कीमती है, हमने उसके लिए सिर्फ एक गोली का इजाजत दिया है। कौन साहब आप कहवा पिए, मैं जरा बाहर का जायजा लेके आता, आप कहवा ले। पापा सुना, ये कापर लोग हमारे इलाके में आ गए, एक बार इजाजत दो तो उनको इधर ही खत्म कर दे। ये फिर तुमको लड़ाई का शौक किधर से पैदा हो गया? पापा तुम्हारा को बोले तुम जाओ उधर, वो उस लड़के सलमान के साथ बैठो, उससे कुछ सीखो। पापा अब हमने ये जैकेट पहन लिया, यही हमारा लिबास है, अब ये नहीं उतरेगा। तुमको इसका इजाजत किसने दिया? इसका इजाजत तो ऊपर से आता है। तुम अपने बेटे को जन्नत जाने से क्यों रोकते हैं? हमने तुमको बताया कि इसका इजाजत खुदा ताला की तरफ से आता है। खुदा ताला जिस मुजाहिद को मुंतखब करता है उसके लिए टिकट बेचता है, फिर हम वो टिकट उस मुजाहिद को देता है। तुम्हारे लिए अभी हुक्म नहीं आया है। जन्नत हर शहीद के लिए होता है। क्या सबब दूसरों के बच्चे को जन्नत का टिकट देता है लेकिन अपने बेटे को नहीं देता? क्यों बाबा क्यों? हम जो तुम ज्यादा जानते हैं, हमारे साथ बहस करते हैं। देखो मेरे बच्चे, जब खुदा ताला का हुक्म होता है वो अपने बंदे के लिए टिकट बेचता है। तुम्हारे लिए अभी हुक्म नहीं आया है और अगर बगैर हुक्म के तुम ये जैकेट पहनेगा जन्नत में नहीं जाएगा, दोजख में जाएगा, दोजख में। और हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा दोजख में जाए, चाहता है कि जन्नत में जाए हमारा बच्चा, हम भी जन्नत में जाए। इसलिए तुम्हारे भी हुक्म नहीं है, बगैर हुक्म का ये जैकेट पहनना गुनाह है। बच्चे अभी उसको उतारो, अभी तुम ऐसा करो, तुम जाओ अपने जानान में बैठो, जानान में बैठो, मौसीकी सुनो, गाने सुनो। जब कोई बहुत बड़ा काम आएगा, कोई बहुत बड़ा बात आएगा, हम तुमको खुद बताएगा, हम तुमको खुद टिकट देगा, फिर तुम ये बांधना, फिर जाना। ठीक है मेरा बच्चा, जाओ मेरा बच्चा। खुदा जमी से गया नहीं है, खुदा जमी से गया नहीं है। या खुदा, या खुदा। कासिम, कासिम लगा है।
नकद है सारा ना कुछ बख